बताइए कि किस तरह से अब क्या, ताकि दर्शक को समझ में आए कि क्या फर्दर प्रोसीडिंग। फर्दर प्रोसीडिंग ये है कि कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इसका इम्पैक्ट ये है कि एसआई सर्वे तुरंत चालू हो सकता है, और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड हो, उसमें कोई अननेसेसरी एडजमेंट ना सीख करे। और सबसे मूलभूत बात यह है कि जो एएसआई का एफिडेविट था, कोर्ट ने कहा उस एफिडेविट के बाद इसको डिसबिलीव करने का कोई मतलब नहीं बनता। अब जिस तरीके से जो दूसरा पक्ष है वो कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट और फिर यहाँ पर आया मामला, अब एएसआई किस तरह से कार्रवाई कर रहा है थोड़ा उसको बताइए। देखिए एएसआई अपनी कार्रवाई, जैसे मैं इसको कैसे बता सकता हूँ, ये तो एएसआई बता पाएगा। एएसआई वहाँ पे मौजूद है और एएसआई अपनी कार्रवाई चालू करेगा। जब मैं एएसआई की कार्रवाई में रहूंगा तब मैं आपको बाहर आके ब्रीफ कर पाऊंगा। कहने का मतलब ये कि जो सेशन कोर्ट का ऑर्डर था उसको प्रभावी कर दिया है और आज से सर्वे शुरू हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए मैं उनका वकील नहीं हूँ, मैं हिंदू पक्ष का वकील हूँ। वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, रिव्यू फाइल करें, कहाँ जाएं, ये तो का मतलब है। पर आज की डेट में लीगल पोजीशन यह है कि सर्वे जो है उसमें कोई रोक नहीं है और सर्वे चालू हो सकता है। जी बिल्कुल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।